पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के धरना प्रदर्शन में शाही जामा मस्जिद से मौलवी अब्दुल कयूम सहित एचएमटी फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारी पहुंचे। पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हर्ष कुमार चड्डा के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन में शाही जामा मस्जिद पिंजौर के मौलवी अब्दुल कयूम ने भी धरना प्रदर्शन को समर्थन देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार को कालका हलके से 1975 की धारा 7A को जल्द हटाया जाना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों का कामकाज चल सके। यहाँ पर एचएमटी फैक्ट्री पिंजौर के पूर्व कर्मचारी भी शामिल हुए। एसोसिएशन की ओर से रतपुर कॉलोनी पिंजौर में अर्बन एक्ट की धारा 7A का विरोध करते हुए नारेबाजी भी की गई। यहाँ एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक मान सिंह जगमोहन धीमान, पिंजौर पंचायती समिति की वाइस चेयरपर्सन लक्ष्मी देवी रामपाल, समिति के चेयरमैन कमल सिंह, चमनलाल, दिनेश वाल्मीकि, तरसेम लाल, बलजीत राव सहित अन्य एसोसिएशन के दर्जनों कार्यकर्तागण और अन्य संस्थाओं के लोग शामिल हुए। आपके साथ हैं, शहर की जो भी परेशानी हो उसमें सबको इकट्ठा एक जगह रहना चाहिए और उस परेशानी का हल करना चाहिए। ये शहर के गांव के देहात के लोगों के जो गरीब उराबा लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, तो उसको मिलजुल के दूर करवाना सरकार से ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब लोगों का भला हो और जो बेचारे मजदूर लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, रोटी रोजी का मसला है, तो उनकी मदद करनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजरे, परेशानी बना रहे। मैनू लगता है ये साहबान ने बड़ी छेती टूटी।